प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने कृत्रिम उपग्रहों के बारे में जाना, उनके कच्चे चाल के बारे में जाना और ये जाना कि किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका भी हमने परिकलन किया। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि भाग 5 में आज हमारे चर्चा के क्या बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम भूतुल्यकाली और ध्रुवीय उपग्रहण के बारे में जानेंगे। भूतुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको जानेंगे और समझेंगे और उसके पश्चात ध्रुवीय यानी कि पोलर सैटेलाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सैटेलाइट्स में भारहीनता की स्थिति को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह कैसे स्थापित होता है, इसको संक्षिप्त में देखेंगे। तो बच्चों, आइए जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, भूतुल्यकाली और ध्रुवीय उपग्रह। बच्चों, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है और आपको यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स दिख रही है। एक यहाँ पे देखिए, एक इधर, इधर। इस तरह जो सैटेलाइट्स हैं 3, आप देखेंगे कि एक जो ये सैटेलाइट है ये पृथ्वी के विषुवतीय तल में ये परिक्रमण कर रही है, जबकि ये दोनों जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी के ध्रुवों के परितः परिक्रमण कर रहे हैं। तो जो ये विषुवतीय तल में परिक्रमण कर रहा है इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, और जो ये पोल्स के परितः उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमण कर रहा है इसे पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट्स बोलेंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले हम भूतुल्यकाली सैटेलाइट्स के बारे में अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है भूतुल्यकाली उपग्रह। बच्चों देखिए, भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष के परितः एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। सपोज करिए कि यदि कोई सैटेलाइट है जिसका आवर्तकाल 24 घंटे हो जाए तो क्या होगा, वो और वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों, आप इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ भी अपने घूर्णन अक्ष के परितः ऐसे रोटेट कर रही है और उसके चारों तरफ यदि कोई सैटेलाइट है और वो भी एक परिक्रमण करने में 24 घंटा ही लगा रहा है, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा जितना इसका कोणीय वेग होगा इसका कोणीय वेग भी उतना ही होगा, क्योंकि आवर्तकाल दोनों का सेम है। तो इस पे स्थित पृथ्वी के तल पर, सतह पर स्थित किसी को भी ये सैटेलाइट क्या होगा, स्थिर प्रतीत होगा, वो लगेगा कि उस स्थिर है, उसके साथ ही मूव करेगा। तो बच्चों, इस प्रकार इसको हम भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, जो कि जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है और यह पृथ्वी के रोटेशन के अकॉर्डिंग ये भी रिवॉल्यूशन करता है उसका, अर्थात ये भी पश्चिम से पूरब की ओर ये चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार यदि कोई उपग्रह विषुवत रेखा के तल में दीर्घवृत्ताकार पथ में इस प्रकार घूमे कि उसका भी आवर्तकाल उतना ही हो जितना धरती के घूमने का है और उसके घूमने की दिशा भी वही हो जो धरती की है, तो वह उपग्रह धरती पर से देखने पर स्थिर नजर आएगा और ऐसे उपग्रह अस्थेटिक या तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं। बच्चों, विषुवत रेखा के तल में जो ये कक्षा है और जिसके कक्षा में वो सैटेलाइट पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है उसे हम बोलते हैं भू स्थिर कक्षा। तो यदि भूतुल्यकाली कक्षा विषुवत वृत्तीय तल में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उपग्रह अपनी कक्षा में किसी एक ही बिंदु पर पृथ्वी तल में विषुवत रेखा पर खड़े किसी प्रेक्षक को सदैव स्थिर प्रतीत होगा। तो उपग्रह की ऐसी भूतुल्यकाली कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं। बच्चों, आइए हम समझते हैं कि भूतुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, अर्थात ये भूतुल्यकाली उपग्रह कितनी ऊंचाई पे पृथ्वी से होगा कि वो एक परिक्रमा करने में 24 घंटे ले। तो बच्चों, आपको पता है, हमने ये अध्ययन कर लिया है कि पृथ्वी सतह से
एच ऊंचाई पर परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का क्यूब अपान कैपिटल जी कैपिटल एम ई। ये हमने पिछले भाग में इसका अध्ययन किया था कि परिक्रमण काल कैसे आएगा, जहाँ पे एच क्या है, पृथ्वी तल से पृथ्वी की सतह से उस सैटेलाइट की ऊंचाई है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब अपान कैपिटल जी कैपिटल एम ई। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का क्यूब इजकल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपान 4 पाई स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच इजकल टू टी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपान 4 पाई स्क्वायर टू पावर 1/3। और इसको जब फिर से देखेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एच इजकल टू टी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपान 4 पाई स्क्वायर टू पावर 1/3 माइनस आर ई। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एच इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आया कि आर ए प्लस एच इजकल टू टी स्क्वायर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपन 4 पाई स्क्वायर टू पावर 1/3। यहाँ से जो एच होगी, जो पृथ्वी के सतह से जो ऊंचाई होगी, वो हो जाएगी टी स्क्वायर जी एम ई अपन 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर ई। और जब इसमें हम टी कैपिटल जी कैपिटल एम ई की वैल्यू रखें, टी क्या है, आवर्तकाल है, और हमें भूतुल्यकालीय उपग्रह का आवर्तकाल पता है 24 आवर, ये 24 घंटे, चूंकि एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे 60 into 60, तो 24 आवर में 86400 सेकंड होंगे, 86400 सेकंड होगा। और हमें पता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, एम इजकल टू 6.0 × 10^24 kg, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बच्चों जब इन सब की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो हाइट प्राप्त होगा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई प्राप्त होती है, वो होती है लगभग 35,800 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक है। बच्चों अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि इस भूतुल्यकालीय उपग्रह की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, वो आयनोस्फीयर या आयन मंडल द्वारा परावर्तित नहीं होती हैं। बात हम करते हैं रेडियो प्रसारण की, तो एंटीना से जो रेडियो तरंगे निकलती हैं उसका जो रेंज होता है वो 2 MHz से लेकर 10 MHz तक होता है, जो कि क्रांतिक आवृत्ति से कम होता है। और वो क्या होता है कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये आयनोस्फीयर है, और यहाँ पे हम रेडियो प्रसारण के लिए जो एंटीना है, यहाँ से ये जो तरंगे निकलेंगी वो क्या होगा, यहाँ से परावर्तित होके ऐसे पृथ्वी पे ही आएंगी आयनोस्फीयर से। तो ये उन स्थानों पे भी पहुंच जाती हैं ये तरंगे, जहाँ पे कि डायरेक्ट यहाँ से एंटीना से वो तरंगे नहीं जाती। रेडियो प्रसारण में तो आयनोस्फीयर से काम चल जाता है, क्योंकि परावर्तित हो जाती है तरंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं दूरदर्शन के प्रसारण के लिए या अन्य संचार व्यवस्था के लिए, तो उनके लिए जो तरंगों का जो आवृत्ति होती है वो क्रांतिक आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। अब उनका परावर्तन नहीं हो पाता है उस आयनोस्फीयर से, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जो प्रसारण केंद्र है यहाँ पे, इसी के
ऊपर इतनी हाइट पे जो आया था 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पे हम ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लगा देते हैं और इससे जो भी तरंगे यहाँ पहुंचेंगी सेटेलाइट इन तरंगों को रिसीव करके पुनः प्रसारित करता है और पृथ्वी के उन स्थानों पे भी पहुंच जाएंगी जहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती। तो इस प्रकार दूरदर्शन के प्रसारण लाइव टेलीकास्ट के लिए भूतुल्यकालिक उपग्रह की आवश्यकता होती है। बच्चों आइए जरा देखते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी। कक्षीय चाल हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा था कि पृथ्वी की अगर त्रिज्या आरी है और पृथ्वी की सतह पर यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड का जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी कक्षीय चाल होगी वी इक्वल टू आरी रूट अंडर रूट जी अपॉन आरी प्लस एच। अगर यहाँ पे हम आरी की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर रखें, ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होती है कक्षीय चाल वी इक्वल टू 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों आइए जरा हम भूतुल्यकालिक उपग्रह की विशेषताएं देखें। तो सबसे पहला विशेषता इसकी ये है कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के ठीक बराबर अर्थात 24 आवर्स होता है। दूसरा पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 35,800 किलोमीटर होती है और ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं अर्थात पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार ही उसी डायरेक्शन में इनका भी रोटेशन होता है। इन उपग्रहों का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है तथा इनकी परिक्रमण वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग बराबर होता है। तो बच्चों ये तो था भूतुल्यकालिक उपग्रह। आइए हम देखते हैं कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। व्हाट इज पोलर सैटेलाइट। बच्चों पोलर सैटेलाइट जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ध्रुवों से संबंधित है अर्थात ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है कि ध्रुवों के परितः ये पृथ्वी से लगभग 500 से लेके 800 किलोमीटर के ऊंचाई पे स्थित होते हैं और इनका जो डायरेक्शन होता है परिक्रमण करने के लिए वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है जबकि पृथ्वी का डायरेक्शन क्या है पश्चिम से पूरब की ओर। चूंकि ये पृथ्वी सतह से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पे होते हैं तो वो क्या होता है कि ये जो ये रेंज होगा इसमें जो कैमरा लगा होगा वो पृथ्वी के कुछ पट्टिका को ही वो देख सकता है। जैसे कि आप इस नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे अगर जो भी इसका रोटेशन क्या होगा उत्तर से दक्षिण और पृथ्वी कैसे रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो जब ये रोटेट करेगा ये एक चक्कर लगाएगा तो ये एक पट्टिका को ही जो ये देखिए ये जो पट्टिका बनी है एक एक पट्टिका को ही वो कैमरा देख सकता है। अब चूंकि इस सैटेलाइट्स का जो आवर्तकाल होता है लगभग 100 मिनट के बराबर होता है तो ये एक दिन में एक ही अक्षांश से होके कई बार गुजरते हैं। अब मान लीजिए ये एक चक्कर लगाने में एक पट्टिका को देखेगा जैसे ही ये दूसरा चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी अब क्या होगा रोटेट कर चुकी होगी आगे बढ़ गई होगी तो इसके इसको फिर दूसरी पट्टी दिखाई देगी। इसलिए पूरे दिन भर में ये पृथ्वी के सभी भागों का सर्वेक्षण कर लेता है। तो यह उपग्रह निकट से अच्छे विभेदन यानी कि बहुत ही फाइनाइट रिजोल्यूशन के साथ विषुवतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार के उपग्रहों द्वारा एकत्र सूचनाएं सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी तथा पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। बच्चों आइए देखते हैं उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति यानी स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले भार जानिए क्या होता है। आपने इसका अध्ययन भी किया है भार क्या होता है। भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया वह बल होता है जिससे वो अपनी तरफ उस वस्तु को आकर्षित करती है। बच्चों हम भार कब महसूस करते हैं जब किसी भी तल पे खड़े हैं। जैसे कि मान लीजिए हम तल पे खड़े हैं और क्या होता है उस तल के द्वारा प्रतिक्रिया बल होता है वो प्रतिक्रिया बल ही हमें भार का अनुभव कराता है। यदि किसी भी तरह यह प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाए तो
हम जो भी व्यक्ति है वो भारहीन महसूस करेगा। जैसे कि अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है और लिफ्ट की रस्सी कट जाए, लिफ्ट टूट जाए, तो उस समय जो उसमें व्यक्ति होगा वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। ऐसे ही जैसे कमानीदार तुला है, अगर उस पर अपना वेट मेजर करिए तो क्या होगा कि ऊपर छत से रस्सी पे लगा रहता है, अगर वो टूट जाए तो भी उस समय व्यक्ति क्या भारहीन महसूस करता है। बच्चों, वास्तव में पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले किसी उपग्रह में उपग्रह का प्रत्येक टुकड़ा तथा उसके भीतर का प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित गति से गतिशील है तथा इस गति का त्वरण उस स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के बराबर है। अतः उपग्रह के भीतर की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। यह ठीक ऐसे ही होता है जैसा कि हम किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, अर्थात उस उपग्रह के भीतर बैठे व्यक्ति किसी प्रकार के गुरुत्व बल का अनुभव नहीं करेगा, अर्थात उसे अपना वेट जीरो महसूस होगा, वो भारहीन महसूस होता है। आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है और इसके केंद्र से आर डिस्टेंस पे स्थित एक कक्षा में एक सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान m है और वो इसका परिक्रमा कर रहा है। ये सैटेलाइट जो कि पृथ्वी से r डिस्टेंस पे है और पृथ्वी की त्रिज्या r ही है, तो ये वृत्तीय गति करेगा और वृत्तीय गति करने के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा पृथ्वी द्वारा इस पर इस सैटेलाइट पे लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल g कैपिटल m स्मॉल m अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपन आर। बच्चों, ये हमने माना है कि ये भी वेग से भी कच्ची चाल से इस पे इसके परता परिक्रमण कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर वन। अब इस सैटेलाइट में यदि कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान m डैश है, तो उस व्यक्ति पे अब दो बल कार्य करेंगे। एक तो क्या होगा, गुरुत्वीय बल होगा और दूसरा तल के द्वारा लगाया गया जो प्रतिक्रिया बल होगा। तो इसमें मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे m डैश का व्यक्ति इस पे है तो एक तो गुरुत्वीय बल लगेगा पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी की तरफ और एक होगा उसमें प्रतिक्रिया बल r। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो परिणामी बल होगा उसी के द्वारा इसको भी बल अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा जिससे वो वृत्ति गति में है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम एम डैश। अब पृथ्वी और उस परिणाम जो एम, इसको आप एम ही लिख सकते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए, तो पृथ्वी और उस व्यक्ति के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जी एम ई एम डैश अपान आर स्क्वायर माइनस आर इजकल टू एम डैश भी स्क्वायर बाई आर। अब यहां से हम लिख सकते हैं कैपिटल जी एम ई अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान एम डैश इजकल टू भी स्क्वायर बाई आर। अब इक्वेशन वन और टू से देखिए, ये टू इक्वेशन है, यहाँ पे भी स्क्वायर बाई आर क्या है, जी एम ई अपान आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम पुट करें जी एम ई अपान आर स्क्वायर माइनस आर अपान एम डैश इजकल टू, अब यहाँ से देखिए भी स्क्वायर बाई आर की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपान आर अपान आर स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस आर अपान एम डैश इजकल टू जीरो, या ये लिख लें कि आर अपान एम डैश इजकल टू जीरो। अब द्रव्यमान तो जीरो हो नहीं सकता है वस्तु का तो या जो व्यक्ति है, तो क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस एम डैश नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा
आर इक्वल टू जीरो, अर्थात व्यक्ति पे जो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य है। ये कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। और बच्चों ये सैटेलाइट्स में होता भी है, कोई भी उसमें छोटा बड़ा कुछ भी सामान है वो भारहीन होता है। यदि उसमें हम किसी रस्सी से किसी वस्तु को टांग भी दे तो रस्सी में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता है। या पानी के बॉटल से अगर पानी निकाले पीने के लिए तो पानी क्या होगा, बूंद के रूप में फैल जाएगा और व्यक्ति उसे पी नहीं पाता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इसलिए जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके खाने के लिए व्यवस्था जो होती है पेस्ट के रूप में होता है, और उसको पाइप के द्वारा वो क्या करते हैं वहाँ पे निगल लेते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार क्योंकि वहाँ पे किसी भी सैटेलाइट में जो भी वस्तु है उसमें भार की अनुभव नहीं होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या चंद्रमा पे भी ऐसा होता है? तो जी नहीं, चंद्रमा पे व्यक्ति भारहीन महसूस नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा का जो मास होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और उसके कारण उस पिंड पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके वजह से उस में भार महसूस होता है। जबकि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं चंद्रमा के कंपेरिजन में उसका मास बहुत ही कम होता है। बच्चों आइए जरा देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो आपको तो पता भी होगा कि सैटेलाइट्स को हम कैसे किसी कक्षा में प्रक्षेपित करते हैं, उसके लिए रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है, मल्टी स्टेज रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे रॉकेट में क्या होता है, कई चैम्बर बने होते हैं और उसमें फ्यूल रहते हैं, और सबसे ऊपर वाले चैम्बर में सैटेलाइट होता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर ऊर्ध्वाधर में इसको प्रक्षेपित किया जाता है ऊपर जाता है, और एक एक चैम्बर का अगर फ्यूल खत्म होता है तो वो उससे अलग हो जाता है। जब ये चैम्बर अलग होगा तो इसका मास कम हो जाएगा और संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये क्या होगा कि और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और जिस कक्षा में उस सैटेलाइट को वहाँ पे स्थापित करना है, जब रॉकेट वहाँ पे जाता है तो एक व्यवस्था के द्वारा इस सैटेलाइट क्या होता है वहाँ पे भी क्षैतिज वेग से वहाँ पे निकाल दिया जाता है, वो भी क्षैतिज वेग से वहाँ पे जाता है। बच्चों आपको पता भी है कि पृथ्वी तल से यदि h ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है, v = √GmvRe+h। और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर उसी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे उपग्रह का पलायन चाल होता है v = √2GmvRe+h। तो अब उस सैटेलाइट का वेग कितना होना चाहिए कि वो पृथ्वी की तरफ चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करे, तो उसको आइए समझते हैं। जब भी जो सैटेलाइट का जो क्षैतिज चाल हम दे रहे हैं भी, अगर वो √GmvRe+h से कम है तो उपग्रह एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पृथ्वी के समीप आता जाएगा तथा अंत में पृथ्वी पे गिर जाएगा। और यदि भी जो है √GmvRe+h है के बराबर है तो उपग्रह पृथ्वी के परितः Re+h त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा। यह उपग्रह के घूमने के लिए सीमांत वेग यानी कि न्यूनतम वेग है। अगर इससे कम वेग होगा तो वो क्या होगा, पुनः पृथ्वी पे गिर जाएगा। तीसरा केस है कि यदि v की वैल्यू √GmvRe+h से अधिक है और 2GmvRe+h से कम है तो वो उपग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी जो होगा उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के एक फोकस पे स्थित होगी। बच्चों जब क्या होगा कि जैसे ये समझ लीजिए कि ये देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहां पे तो एक फोकस पे है। जब सैटेलाइट पृथ्वी के नजदीक होगा तो उसका वेग अधिक होगा, उसकी चाल अधिक होगी, और जब पृथ्वी से दूर होगा तो उसकी चाल क्या होगा कि वो कम हो जाएगी। बच्चों इसी प्रकार जब भी की वैल्यू √2GmvRe+h के बराबर हो जाएगी तो उपग्रह को दिया गया क्षैतिज वेग पलायन वेग के बराबर हो जाएगा, तो उपग्रह एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पलायन कर जाएगा तथा कभी उस कक्ष में वापस नहीं आएगा।
पांचवा, यदि भी की वैल्यू जो है अंडर रूट 2gme/re+h से अधिक है तब उपग्रह अति परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पलायन कर जाएगा। इन पांचों स्थितियों को आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब भी की वैल्यू अंडर रूट gme/re+ से अधिक बराबर है, ये वृत्ताकार कक्षा में है, जब उससे अधिक है और पलायन वेग से कम है तो इलिप्स इस ये बना हुआ है, और इसी प्रकार जब पलायन वेग के बराबर हो जाता है तो परवलयाकार कक्षा में होते हुए वह दूर चला जाता है। बच्चों आइए हम इस चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कि किसी रॉकेट को मंगल के पृष्ठ से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर दागा जाता है। यदि मंगल के वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसका 20% आरंभिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो मंगल के पृष्ठ पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट मंगल से कितनी दूरी तक जाएगा। मान लीजिए मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है m और दिया है m = 6.4 × 10²³ kg। मंगल ग्रह की त्रिज्या r है और वो दिया है 3395 किलोमीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों हमें पता है 6.67 × 10²⁻¹ Nm²/kg² और रॉकेट की यहाँ पे देखिए कि पृष्ठ से जिस चाल से फेंका जा रहा है वो है v = 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हम ये मान ले कि जो मंगल ग्रह की त्रिज्या क्या है वो है कैपिटल R, और इससे स्मॉल r दूरी पर रॉकेट अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच रहा है। बच्चों हम ये मान ले कि इस रॉकेट का भी अपना द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, तो मंगल के सतह पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हम उसको लिख सकते हैं ur = -G(m)r। इसी प्रकार मंगल के ग्रह के केंद्र से r दूरी पर जो रॉकेट है वहां उस दूरी पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ur = -G(m)r। तो बच्चों हम ये स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं ur - ur R। तो यहां से देखिए -G(m)r - -G(m)r। ये हो जाएगा, हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं G(m)r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर -G(m)r। तो बच्चों ये क्या हो गया कि स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि हुई इसको हम लिख सकते हैं कि G(m)m और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r - 1/r। अब ये इतनी हाइट तक इसमें परिवर्तन जो हुआ कैसे, जो उसको प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है, जब मैक्सिमम हाइट तक तभी जाएगा जब वहां पे गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो बच्चों गतिज ऊर्जा प्रारंभ में कितना दिया गया था, मान लीजिए ½mv² था, लेकिन इस वातावरणीय प्रतिरोध के कारण इसकी 20% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो जो ये परिवर्तन होगा वो गतिज ऊर्जा के 80% भाग से होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं कि ur - ur R = 80% ½mv² और इसकी वैल्यू आप देखिए हम रख सकते हैं कि 80/100 × 1/2mv² और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं G(m)r - 1/r। यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/r - 1/r और ये हो जाएगा 0.4 V square upon capital G
कैपिटल एम, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/R माइनस 0.4 भी स्क्वायर अपान कैपिटल जी कैपिटल एम। बच्चों यहाँ से देखिए भी इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लिख सकते हैं 2×10³ मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही ये मंगल की त्रिज्या आर है, इसको हम लिख सकते हैं 3.395×10⁶ मीटर। यदि इस सूत्र में आर की वैल्यू भी स्क्वायर और जी एम की वैल्यू यहां से पुट की जाए, आर की वैल्यू यहां है, कैपिटल एम की वैल्यू देखिए यहाँ है, और जी की वैल्यू 6.67×10⁻¹, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1/r इक्वल टू 1/R माइनस 0.4 इंटू बी की वैल्यू होगी 2×10³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67×10⁻¹¹, और m की वैल्यू यहाँ से 6.4×10⁻²³ kg। बच्चों यहाँ से भी हम r की वैल्यू लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा r की वैल्यू क्या है, 1/3.3, ये पॉइंट है 3.395×10⁶ माइनस 0.4 इंटू 2×10³ का स्क्वायर और 6.67×10⁻¹¹ × 6.4×10⁻²³। और जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 1/r, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.257×10⁻¹⁶ मीटर इनवर्स। बच्चों यहाँ से ये वैल्यू आ गई, फिर r की वैल्यू हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.89×10⁻¹⁶ मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 3890 किलोमीटर। यहाँ से देखिए चूंकि स्मॉल r की वैल्यू ये है, तो मंगल से रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो हो जाएगा h इक्वल टू स्मॉल r माइनस कैपिटल r, और ये हो जाएगा 3890 माइनस 3395, और ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 495 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है बेटा। तो इस प्रकार जो रॉकेट की ऊंचाई हो जाएगी वो 495 किलोमीटर हो जाएगी मंगल की सतह से। बच्चों ये गृहकार्य नोट कर लीजिए, इसको करिएगा, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।